राधे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज हम बनाने वाले हैं मिक्स वेज पुलाव। जी हाँ, ऐसा हम पुलाव बना रहे हैं जिसमें हम सारी सब्जियों को मिलाकर डाल सकते हैं और काफ़ी हेल्दी और स्वादिष्ट होता है। और बच्चे जो सब्जियाँ खाना नहीं पसंद करते हैं, आप उनको इस तरीके से कई सारी सब्जियाँ खिला सकते हैं। तो उसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए गाजर, मैंने धुलकर काट ली है, पनीर के पीसेस, हरी मटर, बीन्स, प्याज, मिर्च जितनी आप पसंद करते हो, मशरूम इसको मैंने गर्म पानी में धुलकर काट लिया है, मूंगफली के दाने और ड्राई फ्रूट जो आप पसंद करते हो, और थोड़े से गरम मसाले। और यहाँ मैंने 1.5 कप चावल लिया है। तो अब हम एक कुकर लेंगे और उसमें हम 2 चम्मच घी डालेंगे और अपने मसाले, खड़े हुए मसाले, इनको थोड़ा सा हम कूट कर डालेंगे। यहाँ मैंने 2 चम्मच बड़े चम्मच से घी डाला है और 2 तेज़पत्ते और जो खड़े मसाले थे उन्हें हल्का सा कूट कर डाल दिया है। जब तक ये पक रहे हैं तब तक हम हरी मिर्च कट कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। हमारी हरी मिर्च भुन चुकी है, अब हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स और इन्हें भी भून लेंगे। ड्राई फ्रूट्स भी भुन चुके हैं, अब हम डालेंगे इसमें मूंगफली के दाने और इन्हें भी भून लेंगे। मूंगफली के दाने भून रहे हैं, अब हम इसमें डाल देंगे पनीर और इसे भी गोल्डन होने तक भून लेंगे। हमारा पनीर भी भुन गया है, अब हम इसमें डालेंगे मशरूम और प्याज, इन्हें भी भून लेंगे हल्का सा। 1 मिनट तक मशरूम और प्याज भुनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई बीन्स और हरी मटर और गाजर। ये सारी चीज़ें मॉइस्चर छोड़ती हैं, इसलिए हम इन सबको एक साथ ही भूनेंगे। सारी चीज़ों को भूनते हुए हमें लगभग 2 मिनट हो गए हैं और ये मॉइस्चर भी छोड़ने लगा। अब हम इसमें डालेंगे धुले हुए चावल। यहाँ हमने चावल डाल दिया है और चावल को भी हम 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे, जब तक कि ये चावल भरभरा हो नहीं हो जाता। 3 मिनट तक हमने भून लिया है और हमारा चावल भी अच्छे से भुन गया है, ये वाइट वाइट कलर में हो गया और ये भरभरा भी हो गया, इसमें पानी नहीं है। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और 1.5 गिलास के लगभग हम पानी डालेंगे। हमने 1.5 गिलास के लगभग पानी डाल दिया है, अब हम कुकर को बंद कर देंगे और 1 सीटी लगने तक पकाएंगे। यहाँ हमारी सीटी लग चुकी है, अब हम गैस को बंद कर देंगे और सीटी निकलने तक हम वेट करेंगे। यहाँ हमने सीटी के निकलने का इंतज़ार किया है और अब खोला है तो यह हमारा पुलाव मिक्स वेज रेडी है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे और धनिया के पत्ते से गार्निश कर देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है और धनिया के पत्ते से गार्निश कर दिया है। रेडी है हमारा मिक्स वेज पुलाव। ये काफ़ी ही स्वादिष्ट है और खुशबू तो सच बताऊँ बहुत ही अच्छी आ रही है। तो देर किस बात की है, आप भी मिनटों में बनाइए मिक्स वेज पुलाव और खाइए, आनंद उठाइए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्णा दोस्तों, बाय बाय। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।